गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख के जवाब दे देंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, आपको जो दिया हुआ है उसका विशेष ध्यान रखना, उसका ही यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होती तो क्या होता है आप जानते होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, जेड वाले एंगल, जेड बन भी रहा है इस फिगर में तो ये जेड वाले एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल तो एंगल थ्री कितना हो जाएगा, 35। ये 35 आ गया बच्चों हमारा। फिर आगे ये दो एंगल दिए 35 और 53 दिया हुआ। फाइंड डी सी ई, डी सी ई ये एंगल वन निकालना है। देखिए एक एंगल तो मालूम है हमको, ये 35 आ गया आपका, ठीक है बच्चों, ये 35 आ गया है, ये 53 दिया है, तो यहाँ से एंगल वन कौन सी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, तो बच्चों बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल थ्री कितना, देखिए एंगल थ्री और फोर इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से, तो एंगल फोर इक्वल टू 35 दिया है, तो एंगल थ्री का वैल्यू कितना आ गया, 35 डिग्री। तो ये यहाँ से एक आंसर हमको अभी मिल गया है ना, ये 35 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों, ठीक। ये दो एंगल अब हमको पता चल गया, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर हमने नोट क्या कर लिया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम, एंगल वन टू थ्री का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू कितना है, 53 प्लस एंगल थ्री कितना है, 35 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लिया तो एंगल वन प्लस कितना हो गया बच्चों, 88 को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो एंगल वन इक्वल टू 180 माइनस 88, तो एंगल वन इक्वल टू कितना बच गया, 92 डिग्री। तो ये 92 डिग्री जो है यही हमारा आंसर है बच्चों, और इसको हम क्या लिख देंगे, हैंस इसका पूरा जो है सिस्टमेटिक नाम लिख देते हैं कि एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री, है ना, ये आपके आंसर हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए, दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये 35 दिया है तो एंगल 335 हो गया बच्चों, ये 53 पहले से दिया हुआ है, एंगल टू, एंगल टू मालूम है, थ्री मालूम है, तो एंगल वन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने एंगल वन निकाला जो कितना आ गया बच्चों, 92 डिग्री, है ना, तो यही निकालना था। ओके थैंक यू प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस ये दो लाइन से इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, इंटरसेक्ट कर रही है टी पर, तो दो लाइन इंटरसेक्ट करती, देखिए जो दिया हुआ उसकी एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। तो उसने कहा दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मैं और सबसे पहले एक काम और करना बच्चों, अगर पॉसिबल है तो उनका नामकरण संस्कार कर देना, तो उनको 1 2 3 4 या XYZ आप ऐसे नाम दे देंगे ना, तो आपको सवाल बहुत आसान हो जाएगा, 50% आसान हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हम इसको 1 2 3 4 5 6 से इनके एंगल्स डिनोट कर दिए, ठीक है। अब वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर क्यों इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आगे बढ़ते हैं, सच दैट पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी पी आर टी ये एंगल 40 डिग्री दिया है, आर पी टी 95 डिग्री, आर पी टी मीन्स ये 95 डिग्री, एंड टी एस क्यू 75 डिग्री, एस क्यू टी निकालना, एस क्यू टी ये क्यू एंगल निकालना। आप बता सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो आंसर पता चल गया होगा कैसे निकालना है। देखिए ये दो एंगल इस ट्रायंगल में मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे तो एंगल थ्री आ जाएगा हमारे पास, जब एंगल थ्री आ गया तो एंगल फोर भी मालूम हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो एंगल 4 मालूम हो गया, एंगल 5 आपको 75 दिया, तो 6 कैसे आएगा बताइए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए अब, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ नोट कर लिए, गिवन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, दो लाइन है एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और एंगल पी आर टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री ये दिया है, और आपको एंगल 6 निकालना है। तो पहले ट्राइंगल ले रहे हैं, पी आर टी में एंगल 3 निकाल रहे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया बच्चे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 180 डिग्री, और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो अब आगे देखिए, तो बच्चों 95 और 40 हो गया 135 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180, तो यहाँ से एंगल 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135, ठीक है बच्चों। तो एंगल 3 इजकल टू आ गया आपका 45 है ना, 135 माइनस कर लिया, तो ये एंगल 3, यहाँ से एंगल 3 मालूम हो गया, कितना आ गया बच्चों, ये आपका 45 आ गया। तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्यों 45 हो गया बताइए, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अब नाउ एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 बाय कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे प्यारे बच्चों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 3 कितना है 45, तो एंगल 4 कितना आ गया 45, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब फिर फिगर में देखते हैं प्यारे बच्चों, तो फिगर में ये 45 आ गया, ये 75, तो एंगल 6 निकाल सकते हो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख दिया, एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इजकल टू 180 डिग्री, एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से 45 आया, एंगल 5 दिया हुआ है 75, और एंगल 6 निकालना है, तो इन दोनों को ऐड किया 120 को अब इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एंगल 6 इजकल टू 180 माइनस 120 मीन्स कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। तो हमको जो रिक्वायर्ड एंगल था, तो हैंस उसका नाम लिख देते हैं, एंगल 6 को क्या कहा है, एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी इजकल टू 60 डिग्री है ना, तो यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल एस क्यू टी इजकल टू 60 डिग्री है ना। एक बार और देख लीजिए बच्चों, क्या करा है आपको, दिया है कितने एंगल दिए हैं, एंगल 40 डिग्री दिया है एक, एंगल 95 दिया है, एंगल 75 दिया है। इस ट्राइंगल में दो एंगल मालूम है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल लिया, तीसरा एंगल मालूम हो गया, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40, ये एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, तो एंगल 4 भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ दो एंगल आपको पता है बच्चों, तो तीसरा एंगल हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिए, तो एंगल 6 जो आ गया आपका कितना आ गया बच्चों, ये 60 डिग्री है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, थैंक यू।